अभी इसको फोल्ड करके ऐसे कट कर देना है। तो देख सकते हैं आप, मैंने स्क्वायर पेपर शीट्स, मैंने दो पेपर शीट्स को काट दिया। अभी हमको ये वाली लाइन ऐसे रखनी है और दूसरे पेपर की हमें लाइन इस तरह पूरे ट्रायंगल बनी उस तरफ से रखनी है। अभी फर्स्ट पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, उसको हिलाना नहीं है ओनली। फिर दूसरे पेपर को भी वैसे ही रखना है, वैसे ही फोल्ड करना है मीन्स। देखो हमने फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरह से, लाइन्स हमें मिलनी चाहिए। तो अभी वापस पेपर को खोलना है, फिर उस जो हमने लाइन्स की फोल्ड की थी उसके क्रीज तक हमको फोल्ड करना है वापस। दूसरे साइड से भी हमें उस तरह से क्रीज करना है। तो हमें ऐसा मिल गया है, अभी हमको दूसरी साइड भी वैसे ही करना है। पेपर को अपसाइड की डाउन साइड नहीं करना, वरना वो ठीक से बनेगा नहीं और कंफ्यूज हो जाओगे। फिर तो हमें इस साइड से ऐसे ट्राइंगल्स मिलेगी। तो अभी हमको कुछ इस तरह फोल्ड करना है, फिर हमें इस तरह से बीच में फोल्ड करना है, फिर वापस ओपन करना है, फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। देखो हमने ये फोल्ड कर दिया है, अभी जो ये लाइन दिख रही है उसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे, और दूसरे को भी ऐसे ही करना है। दूसरे उस साइड से भी आपको इसमें फर्स्ट इधर से फोल्ड करना है और ऊपर से ऐसे फोल्ड करना है। फिर आप देख सकते हो ऐसे वाई बनेगा कुछ इस तरह, ऐसे ऐसे फिर उस तरह से हमें बनाना है। अभी हमें उसको ऐसे फोल्ड कर देना है और उसमें हमें इस तरह से अपोजिट साइड में हमें फोल्ड करना है, हमारी साइड ऐसे आना चाहिए। फिर दूसरी साइड भी हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। तो दूसरे पेपर में भी हमें उस साइड ये ऐसा है, तो अभी हमें अपोजिट साइड में ही फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी हमें कुछ इस तरह ही फोल्ड करना है। तो ये जो बिजली होती है उसके शेप में आ जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह से पेपर्स रखने, तो फर्स्ट ऐसे ऐसे फिर ऐसे, दूसरी साइड से भी ऐसे ऐसे ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो अभी हमें एक पेपर का ऐसे फोल्ड करना है और दूसरे को ऐसे रखना है कुछ इस तरह से। फिर अभी जो लाइंस दिख रही है उसमें वन पेपर को, वन कॉर्नर को डालना है, फिर दूसरे को भी उस साइड से ही डालना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमने डाल दिया, अभी अप साइड ऐसे पकड़ के करना है, फिर दूसरे साइड भी कुछ ऐसे ही डालना है। और अभी दूसरे साइड भी ऐसे ही डालना है। फिर सबको अच्छे से क्रीज कर देने की, जिससे वो एयर में हम जब भी थ्रो करें तो बहुत अच्छे से जाए। तो ये हमारा निंजा स्टार बन गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।